आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना बताए अचानक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, ये उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। पार्टी का ये कदम पूरे मसले पर कहना है कि कर्मचारी रिटायरमेंट उम्र तक पहुँच गए थे, इसलिए उन्हें हटाया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में तैनात तमाम कर्मचारी आज यहां धरने पे बैठे हैं। कांग्रेस का ये दफ्तर है प्रदेश का, जिसके ठीक सामने मुख्य प्रवेश द्वार पे ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि बिना किसी आदेश के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, पूर्व में सूचना के बगैर ही हमें कार्य से हमारे निकाल दिया गया है। साथ ही इनका ये भी आरोप है कि हाल फिलहाल के दिनों में जो लगातार यहाँ कर्मचारी ऑफिस से लेकर तमाम जगहों पर अपनी सेवा देते हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं, आज आप यहाँ सुबह से धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है धरने पे बैठने का? 18 तारीख को 3 कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया, मेरा ट्रांसफ़र सीतापुर कर दिया। इससे पहले इन्होंने मई में 5 कर्मचारियों को निकाला। जिन लोगों ने 18 तारीख को जो आदेश किया, उन्होंने उस पिछले आदेश में कहा कि अब कोई सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा और सबका भुगतान किया जाएगा नियमावली लागू करा करके। ना नियमावली लागू हुई और ना ही जो 5 कर्मचारी निकाले गए उनका भुगतान हुआ और 3 लोगों को और सेवा मुक्त कर दिया गया, मुझे सीतापुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा, ये बताया हमें, यहाँ तमाम लोग मुझे दिख रहा है दर्जनों की संख्या में, और कुछ लोग ये बता रहे हैं हमें 3 महीने पहले निकाला गया, तो क्या दलील दी जा रही है? 3 महीने से कुछ पहले निकाला, 9 महीने पहले, आपने सुना नहीं होगा, 9 महीने पहले निकाला था। उनमें से ये दो महिलाएं ये बैठी हैं। ये काम करते हैं आप लोग कार्यालय के? ये कोई लिपिक है, कोई कंप्यूटर पर काम करता है, मैं स्टोरेज देखता हूँ, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। बात की जाए तो क्या आशा अपेक्षा है, आप जो शीर्ष नेता है, क्योंकि आप एक कांग्रेस के परिवार के हिस्सा हैं, आप लोग तमाम बयानों में कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आशा अपेक्षा रखते हैं और इस जो आपका मामला है, किन पार्टी के किन जिम्मेदारानों से अपनी बातों को रख चुके हैं? नहीं, हमारी अध्यक्ष जी से बात हुई और अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, हम करेंगे मदद। आप अध्यक्ष जी बात हुई हमारी, ये है तो अध्यक्ष जी से आश्वासन दिया गया है, क्या दिल्ली दरबार में भी ये बात पहुँचेगी? आप लोगों के द्वारा पहुंच जाएगी और हमारे द्वारा ना पहुंचेगी तो आप तो ये वाइट ले रहे हैं तो जरूर चलेगी, तो जरूर पहुंचेगी आपके माध्यम से, ये है। क्या आपकी इच्छा है कि क्या हो आपके साथ? हमारी इच्छा है कि इन लोगों को बहाल किया जाए, मेरा ट्रांसफ़र का आदेश कैंसिल किया जाए, जितने लोग इन्होंने सेवा मुक्त किए हैं सबको बहाल किया जाए, ये हमारी इच्छा है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप बता रहे हैं ट्रांसफ़र की गई है, कुछ लोगों को निकाला गया है, क्या दलील दी गई है? नहीं, कोई दलील नहीं दी गई है, सीधे सेवा मुक्त कर दिया, कोई आरोप नहीं। सेवा मुक्त करने से पहले कोई नोटिस नहीं जारी किया, जबकि किसी को सेवा मुक्त करते हैं तो महीना 15 दिन पहले उसको सूचित किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, ऐसा कोई इन लोगों को सूचना नहीं दी गई है। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम वो कर्मचारी थे जिन्हें काम से निकाला गया, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें बिना नोटिस के निकाला गया है, जो कि अनैतिक है, और इसको लेकर हम शीर्ष नेताओं से, जो शीर्ष यहाँ पे जिम्मेदार है, उसको सूचना दे दी गई है, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन जो कर्मचारियों की मांग है, इसको कांग्रेस के शीर्ष नेता कब सुनते हैं। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ।